हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की तिल और जीरे वाली सब्जी। उसके लिए मैंने लिया है 5 मिर्चियाँ, 1 प्याज, 1 टमाटर। टमाटर थोड़ा बड़ा ही ले, अगर छोटे टमाटर है तो 2 ले लें। और ये मैंने लिए हैं छोटे छोटे 12 आलू, ये करीब 350 से 400 ग्राम के आसपास है। तो मैंने इन्हें बॉईल कर लिया है और अब इन्हें मैं छोटा छोटा काट लूंगी। और मैं इन टमाटर, प्याज और मिर्चियों को भी बारीक बारीक काट लेती हूँ। चलिए फिर कट करने के बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने इन आलूओं को ऐसे छोटा छोटा काट लिया है, करीब ये जितना हमारी फिंगर होती उतने मोटे मोटे मैंने काट लिए हैं। और ये मैंने मिर्ची, टमाटर और प्याज को भी बिल्कुल बारीक बारीक काट लिए हैं। ये हमारा प्याज और टमाटर बड़े थे इसीलिए मैंने एक एक लिए थे। अगर आपके छोटे प्याज और टमाटर हो तो 2 लीजिए, क्योंकि इसमें टमाटर और प्याज का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और चलिए अब हम बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये गैस ऑन कर लेते हैं। और इसमें हम डाल देंगे करीब 3 से 4 चम्मच तेल, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, ये सिर्फ तेल में पकेगी। तो तेल थोड़ा ज्यादा ही लगेगा, एकदम कम तेल में हम इसे नहीं बना सकते। सो फ्रेंड्स, हमारा तेल अब गर्म हो चुका है, तो इसमें जाएगी आधा चम्मच करीब राई या सरसों के दाने। और चूंकि हम ये जीरा और तिल वाले आलू बना रहे, तो जीरा हम थोड़ा ज्यादा लेंगे, करीब इसमें 2 टेबलस्पून जीरा जाएगा। और करीब 2 टेबलस्पून ही हम तिल डालेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें हमारे प्याज। और साथ ही हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ते। और अब इसमें जाएगा 1 चम्मच करीब अदरक लहसुन का पेस्ट या जिंजर गार्लिक पेस्ट। इन प्याजों को हमें ट्रांसलूसेंट होते तक पकाना है। और अब इसमें जाएगी हमारी मिर्चें। इसमें हम लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये सब्जी हरी मिर्च में ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसे करीब 2-3 मिनट हम पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो ये हमारी मिर्चों को डालने के बाद करीब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हमें इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है अनियंस को। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे टमाटर। अब हम इन टमाटर को सॉफ्ट होते तक इसे पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें हमारे मसाले डालेंगे। तो ये हमारे टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं अभी। अब इसमें हम डाल देंगे मसाले। तो सबसे पहले जाएगा ये करीब 1 चम्मच धनिया पाउडर या कोरिएंडर पाउडर, आधा चम्मच करीब हल्दी, 1 चम्मच नमक, किचन किंग मसाला। तो ये इसमें हमने डाला है आधा चम्मच करीब किचन किंग मसाला। और अब इसमें हम डाल देंगे हमारे आलू। और इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। तो ये बहुत जल्दी से बन जाती है अगर आपके पास उबले हुए आलू हो तो। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो सफर में ले जाने के लिए भी ये सब्जी काफी अच्छी होती है, सूखी सूखी सी। और चूंकि ये पूरी तरीके से तेल में बनी होती है तो ये पूरा दिन भी अच्छे खराब नहीं होगी।
तो ये आलू डालने के बाद हमने करीब 5 मिनट इसे इसी तरीके से चलाते रहे हैं, नहीं तो ये आलू हमने बहुत ज्यादा तो तेल नहीं डाला है तो नीचे चिपकने लगेंगे। और बस 5 मिनट में ये आपकी सब्जी तैयार हो जाएगी। ये 5 मिनट भी हमें इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि मसाले ठीक से आलू में मिक्स हो जाए, अच्छे से उसमें टेस्ट उसका आ जाए। तो चलिए ये सब्जी तो हमारी पक चुकी है। तो हमारी सब्जी बनकर तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे ढेर सारा धनिया और करीब 1/4 टीस्पून गरम मसाला और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो गैस हम बंद कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, लीजिए तैयार है हमारी तिल और जीरे वाली आलू की सब्जी। उम्मीद है आपको ये एकदम इजी सी पर टेस्टी सी रेसिपी पसंद जरूर आई होगी। आप इस सब्जी को पराठे या रोटी के साथ खा सकते हैं और जब भी आपको कहीं ट्रैवल के लिए कैरी करने के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं है और सूखी सब्जी होने की वजह से ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि मैं आपको मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।